नमस्कार स्टूडेंट्स और पीटीटी बीएड के सभी विद्यार्थी, मेरे इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और शिक्षा संबंधित हर एक जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और आप लोगों तक समय समय पर भेजता हूं। पीटीटी बीएड 2 साल की काउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है, यानी 17/9/2022 से 27/9/2022 तक पीटीटी 2 ईयर बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और काउंसलिंग जो भी विद्यार्थी अगर एक सिस्टम से और एक सही तरीके से और एक सही जानकारी के अनुकूल यानी अनुरूप अगर वो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको कॉलेज मिलने के 100% चांस रहते हैं। जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप अगर अपनी काउंसलिंग करवा रहे हैं तो काउंसलिंग में आपको काउंसलर को पूरी जानकारी पहले आपको समझनी है और समझने के बाद ही आपको काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है आपको बीएड की कॉलेज दिलवाने में। आपके कितने नंबर बने हैं, आपको कितनी कॉलेज चॉइस करनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट आपको चॉइस करने हैं, ऑल राजस्थान आपको यस करना है या नो करना है, ये सारा का सारा जो मैटर होता है ये सारा मैटर डिपेंड करता है आपके जितने ओवरऑल नंबर आए हैं, उन नंबर के आधार पर ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी उसी के ऊपर निर्धारित होती हैं। कई बार क्या होता है कि आप चूक करेंगे काउंसलिंग कराने में कि आपके नंबर कम आए हैं और आप बहुत ही कम कॉलेज अगर चॉइस करते हो तो आपको कॉलेज मिलने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, आपके पैसे कट कर आपको पैसे वापस मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप काउंसलिंग कराने से पहले आपको काउंसलर एक्सपर्ट काउंसलर के पास बैठकर आपको काउंसलिंग करवानी है ताकि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो हैं वो 100% रहने चाहिए। बाकी सब कुछ मेरिट पे तय करता है, बाकी सब कुछ मेरिट पे निर्धारित होता है किस कॉलेज की कितनी मेरिट होती है। कई बार क्या होता है कि हम खाली इसी बातों में खोए रहते हैं कि पिछले साल इस कॉलेज की 350 में लास्ट एडमिशन हुआ था, 350 से कम इसका एडमिशन होगा ही नहीं। ये नहीं होता है। इसकी मेन जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी राजस्थान की बीएड कॉलेज होती हैं सभी बीएड कॉलेज की अलग अलग कॉलेज की अपनी एक अलग मेरिट होती है, अपनी अपनी कॉलेज की मेरिट के अकॉर्डिंग ही उनकी जो सीटें हैं वो सीटें आवंटित होती हैं। किसी कॉलेज में 350 में नंबर नहीं आता है, किसी कॉलेज में 250 नंबर में नंबर आ जाता है, क्योंकि वो उनके पास जो एडमिशन जाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वर्ष किस कॉलेज में कितने नंबर तक एडमिशन गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सीटों का आवंटन होता है, उनको सीटें मिलती हैं। अगर आपके 400 नंबर हैं तो आप अपनी च्वाइस की 10 कॉलेज भरेंगे यानी 10 कॉलेज भी अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में एडमिशन होने के रहते हैं। अगर आपके 400 प्लस अंक हैं तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपको 10 कॉलेज भी अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपको फर्स्ट चॉइस में कॉलेज मिलने की संभावना जो है वो 99% रहती है। जिस विद्यार्थी के 350 अंक आए हैं, 350 से 400 के बीच में हैं, उनको कम से कम उनको 50 कॉलेज अप्लाई करनी है। 25 से लेके 50 कॉलेज तक अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके नंबर 300 से 350 के बीच में हैं तो आपको कम से कम 70-80 कॉलेज अप्लाई करनी है, कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करने हैं। अगर आपके 300 से कम नंबर आए हैं तो आपको मैक्सिमम कॉलेज यानी 100-150 कॉलेज आपको चॉइस करनी है और कम से कम 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करने हैं। अगर हो सकता है तो आपको ऑल राजस्थान यस भी करना चाहिए ताकि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं पहले भी बीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए पहले भी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी जानकारी दे चुका हूं। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले भी मैं आप लोगों को एक वीडियो डाल के अलर्ट कर देता हूं ताकि आपको काउंसलिंग करवाते समय ये नॉलेज रहना चाहिए कि मेरे नंबर कितने आए हुए हैं और मुझे कितनी कॉलेज चॉइस करनी है।
ताकि आपको आसानी से कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मिनिमम कॉलेज च्वाइस करेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ वही कॉलेज च्वाइस करते हो जो आपकी लोकेशन के इर्द गिर्द, आपके अगल बगल की जो कॉलेजें होती हैं उन्हीं में आप च्वाइस करते हो। उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है कॉलेज अप्लाई करने की। एक कॉलेज में 350 में एडमिशन अप्लाई हुआ है लास्ट ईयर, 350 से कम उसकी कॉलेज की मेरिट नहीं रहती है। उसमें 200 नंबर वाले स्टूडेंट भी हैं, वो फर्स्ट च्वाइस में उस कॉलेज को डालते हैं तो उनको कॉलेज नहीं मिलती है। इसलिए आपको कॉलेज च्वाइस करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में हम फर्स्ट प्रायोरिटी डालेंगे तो हमें ये चांसेस रहेंगे। अगर आपको रियल में बीएड करनी है, आपको राजस्थान में कहीं पे भी जाके अगर बीएड करनी है, तो आपको इस बात का विशेष करके ख्याल रखना होगा कि मुझे किस प्रकार काउंसलिंग करानी है ताकि मेरा एक साल ख़राब ना हो और मेरा काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल जाए और मेरी 2 साल की बीएड जो है वो आसानी से हो जाए। तो इसके लिए आपको एक स्पेशली, मतलब बहुत अच्छी जानकारी के साथ, अनुभव के साथ आपको काउंसलिंग करवानी है। जितने भी मेरी लोकेशन के अगल बगल, ये मेरे नज़दीक में जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं वो बाकायदा मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से भी बताता हूं, और आप मेरे को आके भी पूछ सकते हैं कि आपके कितने नंबर बने हैं और उसके बाद आपको कौन कितनी कॉलेज वहाँ पर अप्लाई करनी है। काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। काउंसलिंग अगर आप अपने एक सिस्टम से और तरीके से अगर करवाते हो तो आपको कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कॉलेज मिलेगी आपको। लेकिन आपका काउंसलिंग करवाने का सिस्टम और तरीका अच्छा होना चाहिए। आपको कॉलेज च्वाइस करने का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आना चाहिए कि किस कॉलेज की किस साल कौन कितनी मेरिट रही है या ओवरऑल कितनी कितनी मेरिटें रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम उन्हीं कॉलेजों के आधार पर हम कितनी कॉलेज मैक्सिमम डालेंगे तब हमें जाके कॉलेज मिलेगी। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और मैंने पहले भी वीडियो में बताई है। तो कल से आपकी कॉलेज च्वाइस हो रही है, कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो सावधानी पूर्वक वो अपनी काउंसलिंग करवाएंगे ताकि उनको कॉलेज मिलने में ज़्यादा सुविधा रहेगी, उनका एक साल ख़राब नहीं होगा। वरना आपके हर साल कॉलेज के चक्कर में, नज़दीक के चक्कर में आपका हर साल ख़राब होते रहता है और आपको कॉलेज नहीं मिलती है। बाकी सारी जानकारी मैं पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और वैसे भी मैं आपको अभी फिलहाल भी मैंने आपको वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं इसमें भी मैंने आपको सारी जानकारियां जो है वो आपको बता दी हैं। तो आप जितने भी 2 साल की बीएड की काउंसलिंग कल से स्टार्ट होगी और कल से जो करवाएंगे वो सभी विद्यार्थी सावधानीपूर्वक अपनी काउंसलिंग कराएंगे ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कोशिश यही कीजिए कि आपको एक्सपर्ट के पास ही जाके काउंसलिंग करानी है। ये आपका करियर का मामला है, ये आपके भविष्य का मामला है, ये आपके एक साल का मामला है, ताकि आपकी एक साल ख़राब ना हो। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट बड़ी अपडेट के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है, उसमें भी मैं आपको सारी जानकारियां जो हैं वो अलग अलग सेक्शन से जो भी हैं वो सारी जानकारियां प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको कॉलेज मिलेगी लेकिन च्वाइस अच्छे से करना।